بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون मोमना दी बात वे उन्हां दी शान वे के जदों अल्लाह और उसदे रसूल दे हुक्म दी तरफ बुलाया जाए ताके अल्लाह और उसदे रसूल उसका फैसला कर देन ते ओ फैसला सुन वाले फैसला सुन करके कहन समय ना असाने अल्लाह दा और उसदे रसूल दा फैसला सुन लिया है वाताना असा इतात करने फरमा बरदारी करने अल्लाह और उसदे रसूल दी बात नू मानने अल्लाह ऐसे लोगों के बारे फरमाते ने वाउलाइकाहुमुल मुफ्लिहून अल्लाह और उसके रसूल का फैसला सुनन तो बाद उन्दे ते बचावरी करते ने उन्हों मन लेंदे ने ऐसे लोगों के बारे अल्लाह फरमाते ने ए लोग कामयाब होने वाले ले सामईन मोहतरम हर किस्म दे हमदो सना अल्लाह सुबहानहु व तआला दी ज़ात वास्ते दरूद व सलाम आमना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी शख्सियत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो नौजवान साथियो इस्तां दे लैक रूहानी माँ और बहनों पच्ची जीड़ी दी अंदर पहली दफा मौका मिलिया है कि तुसा अहबाब नू रब दा कुरान नबी दा फरमान सुनावा अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह कमा हको हो बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और फिर बयान सुन सुना के अल्लाह मेरे और तुसा नू अमल करन दी भी तौफीक बख्शे। तो आज दा मौज़ू नबी दे सहाबा ने जो आपने फरमाया वो करके दिखाया आप दे हुक्म नो आप दी बात नो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू कही सहाबा ने फौरन बगैर किसे दलील दे सहाबा ने उससे अमल करके दिखाया इस पकीसा अनवान ते गुफ्तगू करांगा। आ मेरे वीरो इस दुनिया के अंदर
पूरी कायनात के अंदर राज मालिक बादशाही सरबराई हकूमत अगर है वो एक रब रहमान दिए, एक रब रहमान दी हकूमत सरबराई है और रवाज रवाज अगर है तो मुस्तफा का इस पर अगर अमल कर लागे सरबराई हकूमत अगर अल्लाह की मन लागे और नबी अलैहिस्सलाम दे राज नू रवाज नू मन लागे तो असी कामयाब ते कामराना। अगर अल्लाह की बादशाही नो अल्लाह की हुक्मरानी नो और नबी अलैहिस्सलाम दे रवाज नू ठकरा दिता तो इस दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी जलील और रसवा हो जाएंगे। आओ एक छोटा जहा अमल, एक छोटा जहा अमल मच्छर दे पर दे बराबर भी अगर करना है और नबी दे सलातोसलाम दे तरीके दे मुताबिक ते ओ काबले कबूल है वरना रद्द कर देता जाएगा। छोटा जहा अमल मच्छर दे पर दे बराबर भी अगर नेकी दा अमल कोई इंसान करता है अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक ओ काबले कबूल है अगर ओ आप दे तरीके दे मुताबिक नहीं है तो काबले कबूल नहीं दा। दुनिया की मिसाल 1000 रुपए का नोट तुसी असल लेके चले जाओ किसी दुकान ते वो चल जाएगा क्योंकि उस नोट के उत्ते स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बोर लगी है, बाबा कैद आजम उसकी तस्वीर लगी हुई है और कई निशानियां ने वो चल जाएगा। अगर एक नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहर नहीं है वो जाली है। किसी भी दुकानदार दे कोल जाओगे ओ तो कानून की गिरफ्त के अंदर ले आएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, जेलां भुगतनिया पैनगियां। आ मेरे वीरो इसे तरह जेड़ा इंसान छोटा जहा अमल अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक करेगा वो काबले कबूल होएगा, अगर सुन्नत के मुखालफ करेगा ओ रद्द कर दिता जाएगा बल्कि उसकी सजा दुनिया के अंदर मिलेगी और आखिर के अंदर अब्दी जहन्नमी जहन्नम के अंदर उसको फेंक दिता जाएगा। क्यों? उस इंसान ने अपनी मर्जी की थी, अपनी मर्जी का दीन चलाया है तो दिसना की चाहना वा कि अल्लाह पाक फरमान देने इन्नमा कान कौलल मुमिनी इज़ादहु इलल्लाह व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यकूलु समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मोमना दी बात एवे मोमना दी शान एवे जदों अल्लाह और उस रसूल दा हुक्म आ जाए, जदों अल्लाह और उस रसूल दी बात आ जाए फिर उस बात नो उस फैसले नो मनना होएगा। जदों मन लेगा अल्लाह दा कुरान सुन लेगा नबी दा फरमान सुन लेगा ते की कहेगा संभे ना असा ने अल्लाह दा कुरान सुन लिया है नबी दा फरमान सुन लिया है अल्लाह दा हुक्म आ गया है नबी ने दस दिता वे संभे ना असा ने सुन लिया वे वाता ना असी इंदी ताब्यादारी भी करने असी इतात भी करने अल्लाह ऐसे लोगों के बारे फरमा देना वाउला आई का
हो मलम फुले ऐसे लोग कामयाब होने वाले ने आज जड़े अल्लाह रसूल दी इतात करने उन्होंने मिलेगा कि अल्लाह फरमाते ने वबयो ते अल्लाह वर रसूल फाउलाए कमाल्ला दीना अनाम अल्लाह अलैहिम बिन नबी वसिद्दीकील वश्वताय वस्वालहील वहसुना उलमाय का रफीय का जेड़ा अल्लाह और रसूल दे इताअत करेगा ओनू शाना की मिल गया ओनू शान की मिलेगी ओनू असमत की मिलेगी ओनू इनाम की मिलेगा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे नबी ते मेरी इताअत करेगा कल क़यामत वाले दिन ओनू नबियां दे बिचों उठाया जाएगा ओनू सिद्दीकीन दे बिचों उठाया जाएगा ओनू सालेहीन दे बिचों उठाया जाएगा वाह सुना उलंगाए का रफी साथ बड़ा चंगा जे अल्लाह मैनू और तुहानू ए साथ नसीब कर देवे और जो हदायत आ जान तो बाद हदायत आ जान तो बाद जेड़ा अल्लाह रसूल दी मुखालफत करेगा नबी दी इतबा छड़ दीती किसी होर दी इतबा करेगा नबी दी मुखालफत करेगा उनके बारे भी अल्लाह दा कुरान कहंदा है व मैं शाक कर रसूल मेंबा दे मात बयान लहुलोदा वयत्ता बे गैर सबील मोमिनीन नुवल्ले मात वल्ला वनुसले जहन्नम वसाअत मसीरा जेड़ा हदायत आ जान तो बाद अल्लाह और उस रसूल दी मुखालफत करेगा अल्लाह फरमांदे ने होरां दे नाल सालेहीन दे रस्ते नूं छड़ के नबी दे सहाबा दे रस्ते नूं छड़ के किसे होरां दा रस्ता इख्तियार करेगा फरमाया नुवल्ले असी ओनू ओतरी मतवजो कर देंगे हदायत आ जान तो बाद नबी दी इतबा नहीं कीती अल्लाह दी बात नहीं मन्नी किसे होर दी इतबा कर लिए सालेहीन दी इतबा नहीं कीती फरमाया नो वल्ले ही मात वल्ला असी ओनू ओतरी मतवजो कर देंगे ओतरी लगा रहेगा वनसले ही जहलम अन करीब नू जहन्नम दे अंदर दाखल करांगे वसाअत मसीरा अल्लाह फरमांदे ने जहन्नम दी जड़ी जगह है बड़ी बुरी जगह जे ए जहन्नम दी तरफ लौटना बड़ा बुरा जे आमरा वेरा अगर साढ़े दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए दुनिया के मामलात के अंदर दीन के मामलात के अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अल्लाह का कुरान उनका फैसला करता अल्लाह फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ईमान का दावा करने वालो ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह और उस रसूल दी ताबेदारी करो और अगे फरमाया वाउलिल अमर बिलकुम अपने अमीर अपने हुक्मरान दी भी ताबेदारी करो फाइल तनाजातुन फी शैइन फरुद्दू
इल्लाह वर रसूल। अगर तुहाडे मां बहन इख्तलाफ पैदा हो जांदा है ते फिर की करना है? फरमाया फरुद्दू इल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उस रसूल दे तरफ लौटना फैसला हो जाएगा। अपनी मर्जी नहीं करनी। इस दुनिया के अंदर बड़े जुल्म ठाए जाते हैं, फैसला करने वाले सही फैसला नहीं करते। अपने ग्रोह का अपने ग्रोह के हक के अंदर फैसला दे देता है, डंडी मारते हैं। अल्लाह अकबर, तो ऐसे जालमा दे बारे किसी ने कहा वे ओ बड़े बड़े मुतकबर जालम, ओ सख्त मजाज वाले, ओ फैसला करने वाले, ओ रब दा कुरान सुन लो, हक ते फैसला करो, ए डंडी ना मारिया करो। ओ बड़े बड़े मुतकबर जालम, ओ सख्त मजाज वाले, इसराइल आवे जिस वेले ते गल विच संगल डंगाले, ते कोई ना बोले जो सपाया ओ मार लिया हथ कड़िया। किन्ना हथ कड़िया मारनिया ने फरिश्तिया ने, कोई ना बोलिया जो सपाइया ओ मार लिया हथ कड़िया, कोई ना बोलिया जो सपाइया ओ मार लिया हथ कड़िया। ते आ जा हुन दरवाजा ही खुला, ओ ना कर फखर दलेरी, ओ जो दिन गुजरन नेड़े नेड़े, ओ अजल दिहाड़ी तेरी। आ दुनिया ते रह के फैसला करना ही ते हक ते कर, कुरान ते हदीस नू सामने रख के कर। अपने रिश्तेदार नू ना वेग, ओ भाई नू ना वेग, अपने चाचे ते ताए नू ना वेग, अपनी बरादरी नू ना वेग। फैसला हक ते कुरा कर दे ते अल्लाह दा कुरान सामने रख के, नबी दा फरमान सामने रख के फैसला कर दे। तेरे वास्ते दुनिया के अंदर ही कुरान कह रहा वे, कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर, जेड़ा हक ते फैसला कर देगा अल्लाह पाक उसनो अजर सवाब अता करनगे, अजर अता करनगे। अगर कौन ते कोलो खुदा ना खास्ता गलत फैसला हो भी गया है, अल्लाह उसनो माफ कर देंगे। आओ फैसला करना है ते कुरान और हदीस के मुताबिक करना है, अल्लाह और उसके रसूल की बात नु मनना है। आमरे वीरो नबी दे सहाबा ने जो आप का फरमान सुनिया फौरन आंदे ते अमल किया। आ जड़े लोग अल्लाह की मुहब्बत के दावे के अंदर सच्चे ने, उन्होंने अल्लाह पाक फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां लोगों नू कह दियो अगर तुसी अल्लाह की मुहब्बत के दावे के अंदर सच्चे हो, फत्ता पे ऊनी तुसी मैं मुहम्मद की ताब्यादारी कर लवो, मैं मुहम्मद दे आखे लग जावो। युहब्ब कुमुल्लाह, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करन लग पैगा। आओ अगर असी चाहने आ कि अल्लाह साढ़े नाल मुहब्बत करे ते फिर असी अल्लाह की मुहब्बत दावे के अंदर
अगर असी सच्चे आ ते नबी दी इतबा कर लिए ते इंदा फायदा की होएगा। वयगफर लकुम ज़नूबकुम, अगर असी अल्लाह दे नाल मुहब्बत करना चाहने हाँ ते नबी दी इतबा करिए, नबी दी इतबा करांगे, नबी दे आखे लगा दे उनका फायदा की होएगा। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडे गुनाहां नू माफ कर देंगा। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शनहार ते मेहरबान है। आज अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर सच्चे ने और नबी दी इतबा करन, और जड़े नबी दी इतबा कर दे रहा है वो अबू बकर सदीक बन गए, और जिन्ना ने नबी दी इतबा की उम्र फरूक बन गए, और जिन्ना ने नबी दी इतबा की उस्मान सुनूरैन बन गए, और जिन्ना ने नबी दी इतबा की ओ अली हैदरे करार बन गए, और जिन्ना ने नबी दी इतबा की अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सरे कुरान बन गए। आओ अल्लाहु अकबर, किसे शार ने क्या अच्छो लड़ लगियां सो तर गईयां, नबी दे सहाबा नबी दे नाल लग गए, जो किया वो कीता इंदे बारे शार कहंदा है। अच्छो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां, उस नगर जिस जाति पाइए ओ कुने कारण रईया, ते जिसने रूह गर्दानी कीती है ते कम कीते मन मान, ओ कदी ना पार सलामत गईया, ओ घर को होया विच पानी। ओ आओ लोको टिकट खरीदो, ओ खड़ा जहाज मुहम्मदी, ओ फिर ना कहना खबर नहीं होई, ओ सुनो आवाज मुहम्मदी, ओ सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी, ओ मक्की की गल सुनावा, ओ आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसा ते रहमत ठंडिया छावा, ओ आ जा सड़क मुहम्मदी उते, ओ आ जा सड़क मदीने वालिए ते आ दरबार नबीए दे, आ नबी दे साहबानो जो आपने किया ना करके दिखाया। आ अबू मुर्शिद गनवी रजी अल्लाह ताला नो ए आए ने अले मुसलमान नहीं होए ते कहंदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो हो जांदा वा, लेकिन मैनू चोरी दी आदत है, चोरी दी दा इजाजत देंदे हो ते मैं मुसलमान हो जाना वा। आप फरमांदे ने ए अबू मुर्शिद आजा तेरे को चोरी भी करवा लांगे, कलमा ता पढ़ ला मुसलमान दा हो जा। ए अबू मुर्शिद गनवी रज़ी अल्लाह ताला नो कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया ने, ते नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने अपने साहबा नु एक दिन फरमाया, ए मेरे साहबा मक्के दे अंदर तुहाडे साथी कैदी ने केड़ा केड़ा जा करके उन्हां साहबां नू कह तो छुड़ा के ले आएगा। ए अबू मुर्शिद गनवी रज़ी अल्लाह ताला नो भी बैठे ने ते आ फरमांदे ने एक चो एक एक कैदी दे बदले एक एक जन्नत लेके देंगा मैं मुहम्मद, इस बात का सामना
अबू मुर्शद गनवी रजी अल्लाह तआला नो मदीने चलदन है मक्के आंदन है रात की तरीखी छाई हुई है ए रात दे अंधेरे दे अंदर अपने कैदियों नु छुड़ा रहे ने अपने कैदियों नु आजाद करके मदीने दी तरफ भेज रहे ने ते रात की तरीखी छाई है एक दिन जनाब सामने ही ऐसी औरत आई ओ औरत आई जिंदी जहलियत के अंदर अबू मुर्शद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल दोस्ती होया करदे सी ए कहंदी अबू मुर्शद आदरा मेरे वल्ले देख ला अल्लाह अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदा इन्ना अखा ने हुस्ने मुस्तफा नू वेख्या और इन्ना अखा ने हुस्ने मुस्तफा नू वेख्या है इन्ना अखा दे अंदर कोई होर हुसन नहीं जचदा सुभान अल्लाह ए नबी दे सहाबा खूबसूरत औरत उन्हें क्या मैं जरा मेरे तलवले ताके तावे ओ पुरानी दोस्ती याद करो आई लेकिन अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला नो कह लगे ओ इन्ना अखा ने उसने मुस्तफा नु वेख्या है किसे होर दिया अखा ओ किसे होर दा उसने ना अखा दे अंदर जचदा ही नहीं दा सुभान अल्लाह ओ किसे शायर ने इसे हदीस नु सामने रख के क्या कि अबू मुर्शद ने आख्या होएगा ओ तू हजे मेरा महबूब नी डिटा ओ जिन्नू वेखिया चन शर्मावे ओ जे ओ जावे सैर कर लो ओ सारा फलक सजाया जंगावे ओ जे ओ रखे कदम जमीन ते ओ धरती होश हो जंगावे जे ओ खोले बल जुल्फांगा दिया ते राही राबल जंगावे ते बाबा सोना हुसन माही दा ओ जिंदी चाल न झल्ली जंगावे ए अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला नो ए जनाब उस औरत नो जवाब दे दंदे ने ए औरत ने शोर मचाना शुरू कर देता कि अबू मुर्शद गनवी मुसलमान हो गया ते मक्के दे अंदर आ करके दहशतगर्दी करदा पिया वे ए शोर मच गया ए जनाब अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला नो दे पीछे गुंडे लग गए ने अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह अपनी पाकीज़ा जान अपनी पाकीज़ा लबास अपनी जान बचांदिया बचांदिया एक गंदे गड़े दे अंदर आके पना लई है ए जनाब तो गुंडे आके पेशाब कर रहे हैं इस पाकीज़ा जिस्म ते आप बहरे आवे आ मेरे वीरा जरा गौर कर लै इन्ने पेशाबी उत्ते नौजवाना दा बहालिया गंदे नाले दे अंदर भी खड़ा रहे लेकिन इंदे तो गंदा जलील काम नहीं किता जना नहीं किता उस औरत दी तरफ नहीं देखिया क्यों नहीं वेखिया अल्लाह दा कुरान कहंदा कुल मुअमिनी यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगों नूं कह दिओ जदो चलन उदो अपनियां नजरां नूं थले करके चलिया कर ते साडा की हाल है असीं चौको चौका दे अंदर खड़े होके औरतां नूं तकने आ ओ मुसलमान नौजवान नोट कर लै मुसलमान दी शान नहीं हो ओ मुसलमान नौजवान तेरी अजमत नहीं दिए ए तेरी शाने शान नहीं हो तेरी इंदे अंदर तोहीन है तेरी इंदे अंदर तोहीन
अल्लाह अकबर, कुरान तेनु अजमता दे रहे है, कुरान तेनु शाना दे रहे है, क्यों तू जलीलो रसवा वाली जिंदगी गुजारना है। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लल मुअमिनी यखुसो मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फ़ुरूजहिम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना लोगों नु कह दियो जदों चलन अपनी नजरां नु पस करके चलन, व यहफ़ज़ु फ़ुरूजहिम जाओ मां, और अपनी शर्मगाह दिया हफाजत कर। जेड़ा इंसान अपनी नज़र की हिफाजत करता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, वह अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, अल्लाह दा बहुत बड़ा वली है। आ मेरे वीरो, जो दुआ करेगा अल्लाह कदी रद्द नहीं करनगा। ए अबू मुर्शद गनवी रदी अल्लाह तआला नो वापस मदीने दे अंदर चले गए, वापस पहुँचे ते जा करके आपनु आप सल्लम नु कहन लगे, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए कैदी बीज गिन लो ते अल्लाह कोलो जन्नतां इन्नियां लेके दियो। अल्लाह अकबर कबीर। आ मुस्कराए, आपने फरमाया अबू मुर्शद तेरे वास्ते जन्नत ने। अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला नो वापस घर दे अंदर गए, एक दिन तो बाद, दो दिन तो बाद, तीन दिन तो बाद, उस औरत दे हुसन ने अल्लाह अकबर, उस औरत दा हुसन फिर जहन दे अंदर आ गया, ते आ करके अल्लाह दे रसूल सल्लम नो कहन लगे, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत होवे ते मैं उस औरत दे नाल शादी कर लवा, दोस्ती नहीं शादी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि आप खामोश हो गए, कुछ नहीं फरमाया। वो अबू मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह तआला वापस चले गए, दूसरे दिन बाद फिर आए ते फिर इजाजत मंगी, आप फिर खामोश हो गए, तीसरे दिन बाद फिर आए ते फिर शादी की इजाजत मंगी, आप खामोश ने। ते अल्लाह दा कुरान आ जांदा, आ गौर करना मुसलमान नौजवान, अगे की फरमाया, वसानियत लायन के हो इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकल, वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। तर्जमा गौर नाल सुनना, जानी मर्द मुशरक मर्द, ए जानी मर्द सानी औरत दे नाल या जान या मुशरक औरत दे नाल ही शादी कर सकते हैं। जानी मर्द होए या जानी मुशरक मर्द होए, जानी ते मुशरक ना दोनों इकट्ठा किया। फरमाया ए मुशरक के ते मुशरक नाल शादी करेगा, अगर मुशरक औरत है ते मुशरक मर्द नाल शादी करेगी, अगर जानी मर्द है ते जानी औरत नाल शादी करेगी। अगे की फरमाया, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, मुशरक मर्द ते जानी मर्द मोमना ते हराम कर दिते गए ने। जरा गौर करना कुरान दा फैसला, मुशरक मर्द ते जानी मर्द मोमना ते हराम कर दिते गए ने। ओ मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, अज ससी की करने, अपने बेटियां दा निकाह जानी औरत दे नाल, अपनी बेटी का निकाह जानी मर्द के नाल, अपने बेटे का निकाह मुशरक औरत नाल, अपने बेटे का निकाह जानी औरत के नाल। आ मेरे वीर, मोमन वास्ते, मोमन मर्द वास्ते, मोमन औरत वास्ते अल्लाह पाक ने
जानी मर्द नो ते जानी औरत नो मुशरक मर्द नो ते मुशरक औरत नो हराम कर दिता है। नहीं कर सकते। इत्थे अल्लाह पाक ने मुशरक मर्द ते मुशरक अल्लाह अकबर जानी मर्द नो कट्ठा क्यों कीता है? जरा गौर करना, क्यों कीता है? मुशरक मर्द उन्हों एक रब ते यकीन नहीं होता। इत्थे कहंदे एहदन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैनु सीधा रस्ता वहा, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह जिन्ना लोगां ते इनाम कीता उन्हां लोगां दा रस्ता वहा। की करदा? दुआ मंगदा ते अल्लाह कोलो मंगदा, सारा कुछ मंगदा ते फिर होरां दे दर ते खड़ा होके उन्हां दियां फरियादां करदा, उन्हां कोलो मंगदा, उन्हां कोलो तलब करदा, शफावां तलब करदा, रोजियां तलब करदा। एक रब ते यकीन नहीं रहा, रब नूं छड़ दिता, होरां दे दर ते जाके उन्हां कोलो मंगना शुरू कर दिता। जिमें मुशरक मर्द नूं एक रब ते यकीन और इतबार नहीं है, इस तरह जानी मर्द नो एक बीबी हलाल ते यकीन और इतबार और सुकून नहीं। वो अपनी पकीजा बीबी नू छड़ के दर दर तके फर खांदा, गंद खांदा फिरदा। इस वास्ते जानी मर्द ते मुशरक मर्द नू अल्लाह पाक ने एक जगह ते इकट्ठा एक ही जुमरे दे अंदर लियांदा। आ मेरे वीर, अल्लाह पाक मैनू और तुहानू हदायत नसीब फरमाए। ए अबू मुरशद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों कुरान दा फैसला सुनिया, आप सल्लम ने फैसला सुनाया ते अबू मुरशद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, अज तो बाद उस औरत दा नाम भी नहीं लवांगा। क्यों? आइया कोलो समय ना वादा ना, अल्लाह दा फैसला आ गया, अल्लाह दा हुक्म आ गया ते मैं सुन लिया ते मैं इताअत करना वा। आमरे वीर नबी दे साहबा उबद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो एक दिन उन्होंने कंधे ते सबज चादर रखी हुई है। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने देख करके फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो ए सबज चादर क्यों रखी हो? आप दा रंग पीला हो गया, आप गुस्से दे अंदर आ गए। ए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो फौरी घर दे अंदर गए ते जा करके तंदूर दे अंदर अपने कंधियां तो चादर उठा करके तंदूर दे अंदर फेंक दिती है कि फिर नबी अलैहिस्सलातो सलाम दे कोल गए। आपने पूछा, चादर किथे ही? ए अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे, मैं तंदूर दे अंदर सट दिती है, जला के राख कर दिती है। आप फरमाते अपनी बीबी नू दे दिंदा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो कहंदे ने, आका जड़ी चीज तुहानू मेरे उत्ते चंगी नहीं लगती, मैनू मेरी बीवी दे बदन ते भी सही नहीं लगती। क्यों? आइया कोलो समय ना वाता आना। नबी ने कह दिता, साहबा ने सुन लिया, उन्दे ते फौरन अमल करके दिखा दिता। आमरे वीर नबी अलैहिस्सलातो सलाम दे एक साहबी हजरत हुराम रज़ी अल्लाह तआला नो ए अक्सर अपनी तैबंद अपनी सलवार नू टखनिया तो थले रख दे ते लंबे लंबे बार रख दे। आपने अपने सहाबा दे अंदर आके आ, हजरत हुराम बहुत अच्छा सहाबी है, इंसान है, अगर अपने बाल छोटे कर लवे और अपनी तैबाद नू टखनिया तो उत्ते कर लवे, अपनी सलवार नू अपनी चादर नू टखनिया तो उच्चा कर लवे ते होर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। हज़रत हुराम रज़ी अल्लाह तआला नूं पता चलिया, हज़रत हुराम रज़ी अल्लाह तआला नूं
अपने बाल भी दुरुस्त करा लै ते अपनी तैबंद नू भी टखनिया तो उच्चा कर लिया। अल्लाह अकबर। फिर क्या आपने फरमाया खुराम हुन तां तू बहुत चंगा लग रहे हैं। आप हजरत खुराम रजी अल्लाह तआला नू कहन लगे मैनू पता चलिया कि तुसी इस तरह क्या है ते मैं उन्दे ते फौरी अमल कर लिया। क्यों आइया कोलू समय ना आता ना नबी दा फरमान नबी दा हुकम रब दा हुकम आ गया फौरन इताअत कर ली। आ हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला नो एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बैठे ने ते आ फरमांदे ने ए मुगीरा शादी कर ली हो के नहीं कीती। हजरत मगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने ऐ अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी घर दे अंदर मेरी बात चल रही है। अंसारी घर दे अंदर मेरी घर गल चल रही है। आप फरमांदे ने ऐ मगीरा रजी अल्लाह तआला अपनी मुगेतर नू वेख लवे। मुगेतर नू वेखना जायज है। आ नबी दी हदीस आ गई लेकिन लंबिया लंबिया कालां ते मुलाकातां एक कुरान इजाजत नहीं देंदा। अल्लाह अकबर। इंदे नाल बड़िया खराबियां पैदा हो जांदियां ने। रिश्ते तय किए हुए खत्म हो जाते ने और खानदान जलीलो रसवा हो जाते ने। जो गल्ला बातां चलदियां ने उनके नाल कई ऐसे मामलात पैदा होते ने जिंद नाल दोनों खानदान जलीलो रसवा हो। क्यों उनकी वजह की है कि कुरान और हदीस तो दूरी की थी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की थी। जिन्नी अल्लाह ने और उसके रसूल ने इजाजत दी है बस उतनी अपनी मगेतर नू देख सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला नू देखने वास्ते भेजा ये ज्ञान है ते जा करके अपने ससुराल दे घर दे अंदर घर का दरवाज़ा खटखटांदे ने ते की आंदे ने कि मैनू अल्लाह दे रसूल सल्लम ने भेजा कि मैं अपनी मगेतर नू वेख लवां। सुसर ने दरवाज़ा खोलिया अंदर गए अंदरों पूछ अंदर वाले पूछा किवें आए जी। उन्हें कहा अल्लाह दे रसूल सल्लम ने भेजा अपनी मगेतर नू वेखन वास्ते आया। आपने इजाजत दिती इन मियाँ बीवी बैठ के सलाह मशवरा कर रहे हैं। उन मगेतर बोल दिए की आंदी है अल्लाह अकबर कबीरा मैं मुहम्मद दी हदीस से अपनी इज्जत नू कुर्बान करनी आ जाके मेरे पैगंबर नू कह देना कि मैं मुहम्मद सल्लम ते अपनी इज्जत नू कुर्बान करनी आ। तुहाडे कहन ते अपना पर्दा खोल दिता अपने मगेतर नू अपना चेहरा वखा दिता। अल्लाह अकबर कबीरा ए नबी दा फरमान सहाबा ने सहाबियात ने जो करके दिखाया। अल्लाह अकबर। आओ अगे चलिए टाइम भी थोड़ा रह गया। जलबीब रजी अल्लाह तआला ने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आदमी आया आके कहंदा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी नौजवान उनका रिश्ता मैं तुहाडे नाल करूं। आपने फरमाया कि मैनू जरूरत नहीं है मेरे सहाबी हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला ने इन्हां नू जरूर दे इन्हां नू रिश्ता दे। कहिंदे ठीक है सलाम मशवरा करने आ बीवी नाल जाके सलाम मशवरा कर दे पैन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला नू पिछे भेज दिता ते हजरत जलबीब कौन ने अल्लाह अकबर कबीर स्या रंग दे छोटियां छोटियां अखां अल्लाह अकबर छोटा जहा नक अखां अंदर नू वड़ियां रे ते मंडियां चो फरोख्त होंदा आया आया
अल्लाह अकबर। इतना छोटा कद के मदीने के अंदर होना छोटा कद किसे दा नहीं सी। ज़रा गौर करना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता ये हुन अपने उस घर के अंदर उस घर का जाके दरवाजा खटखटाया, अंदरों बंदा आया, वेख्या जलबीब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जा करके अपनी बीवी नू दसिया कि वह तो बंदा अपने पिछे ही आ गया, दरवाजा खटखटाया, आप सल्लम ने आप अपने पिछे ही भेज दिता। ये हुन सलाम मशवरा कर दे, पहले अखां इहो जिहियां ने, नक छोटा जिहा, स्याह रंग दा, मंडियां चो विकदा वकांदा गुलाम इत्थे आया, की करिए हुण, आपने भी फरमा दिता। कोल ही बेटी बैठी सी, अल्लाह अकबर कबीर, हज़रत जलबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर बुला लिया, बुलाया, ये सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो उनका ही नक्शा एक शायर ने इस तरह खिंचे है, सोने ने भेजा एक बंदा काले जर रंग दाल, सोने ने भेजा एक बंदा ओ काले जर रंग दाल, रिश्ता साढ़े कोलो बेटी दा मंगदा ते आटा नहीं आंदे कोल एक भी डंग दाल, ओ सलाह दे तू मेरे ताई है। ये कौन कहंदा? हमद अपनी बीवी नू कह रहा है, ते आख दी औरत सानू उजर ना काया, जे भेजिया उसनू नबी ए लाइया, पर रंग दा गोला बर रंग दा काला इतनी बात सुनाइया, ओ होर कोई उजर सानू नहीं है। अल्लाह अकबर, ते बेटी बोली की आ दी, ओ काले ते गोरे वाले ना वेख, ओ अल्लाह दे नबी दे फरमान दी तरफ देगा, ओ बस कर अम्मा हुन तू जान दे, ओ काले ते गोरे नहीं कम ईमान दे, ओ बस कर अम्मा तू हुन जान दे, काले ते गोरे नहीं कम ईमान दे, असी हुक्म दे बदे नबी सुल्तान दे, ओ कुछ ना आखीं दे ताई आमरे वीर हजरत जलबीब रज़ी अल्लाह तआला नु दा निकाह उस लड़की दे नाल तय हो गया। क्यों? अल्लाह दे रसूल ने जो हुक्म दिता उन्होंने की आख्या, समय ना वाता ना, असा ने नबी दा फैसला सुन लिया, असी इताअत भी करने आ। आमरे वीर किसे शार ने के आवे के नबी दा नबी दी जो भी बात उसनु मन लाओ, वो जान भी कुर्बान कर दियो, अपना तन मन भी कुर्बान कर दियो। ते किसे शार ने किया है, ओ मैं तन वार देवा, ओ मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मैं मदीने दे चन तो मैं चमन वार देवा, ओ मैं ऐसे फुल तो मैं चमन वार देवा, मैं औलाद भैना भाई वार देवा, मैं ऐसे फुल तो चमन वार देवा, मैं सरदार जग तो मैं जगवार देवा, मैं उंदी जुत्ती ओ तो मैं पगवार देवा,
मैं जगवार देवा, मैं जगवार देवा। आ हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला नो दा नका हो गया, उधरों ही जंग दा ऐलान हो गया। अले पहली रात नहीं गुजारी, बीवी दे कोल भी नहीं गए, अल्लाह दे नबी ने जंग दा ऐलान कर दिता। हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला नो वाह।